हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कॉमर्स पेपर टू, जिसका कोड 08 है, उसका कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज करवाया जाएगा। यूनिट वन से लेकर 10 तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमेशा यूजीसी टच करता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे कवरअप करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपका रिटर्न मटेरियल है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेसिस पे क्लासेस करवाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल दोनों पे अवेलेबल हैं। सो करते हैं आज का सेशन बिगिन। हमने ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, आपको पता है कि ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने के लिए। अब जो ट्रेनिंग है वो हेल्प करती है इनकरेज करने में, और जो आपकी एम्प्लॉय जिनको ट्रेनिंग दी जाती है उनको उनकी सेल्फ डेवलपमेंट और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव करने में ट्रेनिंग हेल्प करती है। ठीक है, सो जो जिन बंदों को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी वो चीज़ उनको क्या हेल्प करती है, यानी बहुत सिंपल चीज़ है, यानी ट्रेनिंग हेल्प करती है पर्सन को कि वो अच्छे से स्ट्रेस को हैंडल कर सके, टेंशन जो हो रही है उसको अच्छे से कोप अप कर सके, फ्रस्ट्रेशन को हैंडल कर सके, और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको फेस कर सके। सो ये चीज़ें फर्दर क्या करती हैं, एक तो सेल्फ डेवलपमेंट, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, दोनों को इन्हेंस करती हैं। ठीक है, अब एक पेपर में क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था जो कंपेंसेशन रिसीव होती है एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जब वो टर्मिनेट किया जाता है जॉब से, तो वो जो ये है ना, ये वो प्रॉफिट्स हैं जो इन लieu ऑफ सैलरी दिए जाते हैं। अब जो पेंशन रिसीव हो रही है, जो एक एम्प्लॉय की विडो है, यानी एम्प्लॉय की तो डेथ होगी, जो उसकी वाइफ है बींग द विडो, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आती है। जो फॉरेन अलाउंस मिलता है, अगर आपने इंडियन बंदे ने अपनी सर्विसेज को अब्रॉड में रेंडर किया तो वो फुली एग्जम्प्ट होता है टैक्स बेसिक। और जो आपका चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है वो भी किसी एक, मतलब एक हद तक वो भी एग्जाम्पलेड है बेसिकली। वैसे तो ये लीगल एस्पेक्ट्स का टॉपिक है, बट मैंने आपको ये HRM में भी पूछा जाता है इसलिए यहाँ पे भी करवा दिया। ठीक है, अब आगे आती हैं जो इंसेंटिव पेमेंट्स होती है उसकी एडवांटेजेस। सबसे पहले तो बेटर यूटिलाइजेशन होती है इक्विपमेंट की। देखो, जो इंसेंटिव पेमेंट्स है ना, ये इनकरेज करते हैं इंप्लॉयज़ को कि वो एफिशिएंटली काम करें, इफेक्टिवली काम करें, जिससे क्या होगा, जिससे जो आपके इक्विपमेंट है उनकी बेटर यूटिलाइजेशन होगी। देखो, जब इंप्लॉयज़ को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, तो वो ज़्यादा होते हैं कि वो मोर लाइकली है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करेंगे, जिसके रिजल्ट में जो आपके इक्विपमेंट की यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंड मेजर बेनिफिट क्या है, आपका जो एब्सेंटिज्म और टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, देखो जो इंसेंटिव पेमेंट्स हैं ये हेल्प करती हैं कि आप अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ का एब्सेंटिज्म है या टर्नओवर है वो रिड्यूस कर सको, क्योंकि आप एम्प्लॉयज़ को एडिशनल मोटिवेशन या रिवॉर्ड्स दे रहे हो उनके एडिशनल काम के लिए। जब एम्प्लॉयज़ के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इंसेंटिव्स को अर्न कर सकते हैं, वो ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं अपनी जॉब की तरफ। वो बहुत कम होता तब कि वो एबसेंट और लीव लेंगे ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयज़ रिटेंशन। जो HRM है ना आपके, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि एक पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशंस क्रिएट किए जा सके, उनको फॉस्टर किया जा सके, वर्क प्लेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको अच्छे से मैनेज किया जा सके। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पॉलिसीज की डेवलपमेंट, प्रोसीजर्स की डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉय इंगेजमेंट को प्रमोट करना, जितने भी एम्प्लॉयज़ की ग्रीवियंसेज जो अराइज हो रही हैं उनको एड्रेस करना, और इंश्योर करना कि आप जितने भी लेबर लॉस और रेगुलेशंस हैं टाइम टू टाइम आप उनके साथ कॉम्प्लाई कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सक्सेशन प्लानिंग। देखो, जो सक्सेशन प्लानिंग है वो फोकस करती है कि आप आइडेंटिफाई करो, डेवलप करो एम्प्लॉयज़ को जिनके पास पोटेंशियल है कि वो लीडरशिप पोजीशंस को गेन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर के आने वाले फ्यूचर में। इसमें आप टैलेंट को असेस करते हो, आप ये देखते हो किस बंदे में ज़्यादा टैलेंट है, करियर उनके डेवलप करते हो, करियर डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हो, एक ऐसी पाइपलाइन क्रिएट करते हो जिसमें आप जिससे आप फ्यूचर लीडर्स को क्रिएट करोगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास एक जो टॉपिक आता है वो आता है जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस का। देखो, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस है उसमें क्या क्या आ जाता है, आपको सोशल इक्विटी आपने मेंटेन करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ आपने प्रमोट करनी है, आपके जो
रिलेशंस हैं वो हारमोनियस होने चाहिए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये चीज़ आपको इंश्योर करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके पास हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। अब देखो जो आपकी ये हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, इसे सजेस्ट किया था ब्रमेट, फ्लैम होल्स एंड पाइल ने। अब जो ये अप्रोच है ये एम्प्लॉयज़ को एज अ एसेट ट्रीट करती है और उनकी वैल्यू को मेजर करती है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जो इसका मेजर फोकस है कि जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए और रिटेन करने के लिए ओवर देयर टेन्योर, उसको आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच की बात करें तो इसके अंदर जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू है वो डिटरमाइन की जाती है उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो उनके साथ एसोसिएटेड है, लाइक जो उनकी हायरिंग, ट्रेनिंग या डेवलपिंग की कॉस्ट है उनको कैलकुलेट करके। सो जो फिर उस जब आपने ये कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, जो फिर ये कॉस्ट है इसको कैपिटलाइज किया जाता है और इसको एज ए एसेट रिपोर्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में। देखो जैसे ओवर द टाइम जो एम्प्लॉय वो कॉन्ट्रीब्यूट करता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के में, उसके काम में, उसकी परफॉर्मेंस के थ्रू वो एक्सपीरियंस गेन करता रहेगा, तो सो ये वैल्यू है ये बिलीव की जाती है कि अप्रिशिएट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वैल्यूइंग, एक टॉपिक था वैल्यूइंग ह्यूमन एसेट्स अमोर्टाइजेशन। देखो जो ह्यूमन एसेट्स हैं जैसे आपकी स्किल्स, नॉलेज, एम्प्लॉयज़ की एक्सपीरियंस, उनका एक्सपर्टाइज जो इंडिविजुअल्स का है, इसको वैल्यूएबल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया जाता है। बट अगर हम इसको कंपेयर करें फिजिकल एसेट्स के साथ, देखो ह्यूमन एसेट्स क्या होते हैं ना, इनको हम डायरेक्टली कैपिटलाइज नहीं कर सकते बैलेंस शीट में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें लैक ये फिजिकल फॉर्म और लीगल ओनरशिप को लैक करते हैं। बट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना वो अमोर्टाइजेशन को यूज़ करती हैं एज अ मेथड, ताजो वो रिकॉग्नाइज कर सके अपने ह्यूमन एसेट्स की वैल्यू को ओवर द टाइम, ठीक है। सो जो ये अमोर्टाइजेशन है ये एक सिस्टमेटिक एलोकेशन होती है कॉस्ट की, या कह लो आप अपने वैल्यू जो आपके इंटेंजिबल एसेट के उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो अगर किसी केस में जो यानी जो आपके ह्यूमन एसेट्स जो उनकी वैल्यू है उनको टिपिकली डिटरमाइन किया जाता है जो कॉस्ट उनकी एसोसिएटेड है, जब जितनी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इनकर करते हैं उनको एक्वायर करने में, डेवलप करने के लिए, यानी बीइंग जितनी भी आपके एक्वायरिंग और डेवलपिंग कॉस्ट हैं ह्यूमन एसेट्स की, जैसे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये सब कुछ अकाउंट किया जाता है, ठीक है। सो जो जब आप अमोर्टाइजेशन को यूज़ करते हो सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो स्प्रेड कर देती है जो उनके ह्यूमन एसेट्स की वैल्यू उनकी पूरी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ के ऊपर, ठीक है। सो जो ये मेथड है ये एक्नॉलेज करता है कि जो वैल्यू है ह्यूमन एसेट की वो डिमिनिश होती है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, जैसे लाइक मान के चलो कि जो स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको टाइम टू टाइम स्किल्स चाहिए वो चेंज हो जाएंगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो सकती हैं, इंडिविजुअल करियर प्रोग्रेशन जैसी चीज़ें आ जाती है, हर बंदा अपने करियर में प्रोग्रेस करना चाहता है। सो जब आप अमोर्टाइजेशन करते हो ह्यूमन एसेट की, सो ये कॉमनली एक प्रैक्टिस है बहुत सारे फील्ड्स में, लाइक जैसे ह्यूमन के इसमें जो मतलब कहने का मतलब क्या, जो ये अमोर्टाइजेशन है ये बहुत कॉमनली फॉलोड प्रैक्टिस है हर फील्ड में, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज में, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया, टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गया। सो ये चीज़ अलाउ करके ऑर्गेनाइजेशन की वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जो उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है अपनी ह्यूमन एसेट्स के यूज से, वो ये चीज़ को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ज़्यादा एक्यूरेटली दिखा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है और टॉपिक आता है नेट बेनिफिट मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखो जो ग्रॉस वैल्यू है जो सर्विसेज आपको रेंडर की जानी है फ्यूचर में आपके एम्प्लॉयज़ के द्वारा इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव कैपेसिटी, उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। यानी मान के चलो जो आपकी सर्विसेज, जो आपके एम्प्लॉयज़ चाहे वो अकेला चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा मिलके कलेक्टिव कैपेसिटी में जो फ्यूचर में वो सर्विसेज वैल्यू करेंगे, आपको सबसे पहले उसकी ग्रॉस वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अब जो आपकी वैल्यू है फ्यूचर पेमेंट्स की जो आपने एम्प्लॉयज़ को देनी है वो डिटरमाइन होगी है। सो इसमें क्या होगा, इसमें आप असेस करोगे जो आपकी प्रोजेक्टेड कंपनसेशन और बेनिफिट्स जो आप एम्प्लॉय को दे रहे हो या उनको वो जो रिसीव करेंगे आपके द्वारा फ्यूचर में, ठीक है। अब जो आपकी एक्सेस वैल्यू होगी, जो आपके फ्यूचर ह्यूमन सोर्सेस हैं ओवर द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, मतलब कहने का मतलब देखो जो एक फर्स्ट आपने उनकी जो सर्विसेज उन्होंने रेंडर करनी उसकी ग्रॉस वैल्यू निकाल ली, फिर आपने जो उनको फ्यूचर में पेमेंट्स देनी है उन सर्विसेज के लिए उसके लिए ग्रॉस वैल्यू निकाली, मतलब वैल्यू निकाली। अगर तो जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है ह्यूमन रिसोर्सेज की वो आपकी पेमेंट से ज़्यादा है, तो इस चैप्टर में क्या होगा, इसमें आप कैलकुलेट करोगे नेट बेनिफिट बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट डिटरमाइंड इन स्टेप डी फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विसेज डिटरमाइंड इन स्टेप ए। बड़ा सिंपल है।
आपने जो आपके एम्प्लॉयज़ की वैल्यू है उससे माइनस कर दो जो आपने उनके फ्यूचर पेमेंट्स देनी उस वैल्यू को। सो जो ये प्रेजेंट वैल्यू है नेट बेनिफिट की, इसको डिटरमाइन किया जाता है एक प्री डिटरमाइंड रेट, डिस्काउंट रेट को अप्लाई करके। सो इस चैप में आप एडजस्ट करोगे जो आपने नेट बेनिफिट कैलकुलेट किया ना, उसको आप उसके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे, उसको डिस्काउंट करके एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट को यूज़ करके, ठीक है। सो जो आपने अमाउंट कैलकुलेट किया है ये होगी आपकी वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी ये वैल्यू। अब जो ये फाइनल स्टेप है डिटरमाइन करके आपको बता देगा कि क्या आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये चीज़ होगी उनकी प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस में जो नेट बेनिफिट आप उनको देने वाले हो, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं टूल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं फोरकास्ट करने के लिए सप्लाई आपके इनसाइड कैंडिडेट्स की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के दौरान। मतलब आप HRM प्लानिंग कर रही हो, फ्यूचर के लिए हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स के लिए, सो कौन से आप टूल्स को यूज़ करोगे जिनको यूज़ करके आप फोकस्ड कर सकते हो। सबसे पहले तो पर्सोनल रिप्लेसमेंट चार्ट्स। देखो जो पर्सोनल रिप्लेसमेंट चार्ट्स हैं इनको यूज़ किया जाता है सक्सेशन प्लानिंग के लिए, और जो आपके पोटेंशियल कैंडिडेट्स आपको की पोजिशन के लिए चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। सो ये चीज़ हेल्प करती है असेस करने के लिए जो आपके इनसाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी आपके पास कितनी अवेलेबल सप्लाई है फ्यूचर रोल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है मार्कव एनालिसिस। जो मार्कव एनालिसिस है ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है फोरकास्ट करने के लिए जो आपके एम्प्लॉयज़ की मूवमेंट है डिफरेंट पोजीशंस और लेवल्स के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको। सो ये चीज़ हेल्प करती है हम एस्टिमेट कर सकते हैं फ्यूचर सप्लाई अपने इनसाइड कैंडिडेट्स की स्पेसिफिक रोल्स के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज कॉमनली यूज फॉर कास्टिंग पर्सोनल नीड्स और लेबर डिमांड। देखो कौन से कॉमनली यूज मेथड्स हैं, सबसे पहले तो आते हैं ट्रेंड एनालिसिस। देखो इसमें हम एनालाइज करते हैं हिस्टोरिकल डाटा को और आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स और ट्रेंड्स ताजो हम फ्यूचर पर्सोनल नीड्स को फोरकास्ट कर सके। फिर आते हैं रेशियो एनालिसिस, इसमें एनालाइज किया जाते हैं रेशियो। अब ये डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में रेशियोज होंगे जैसे रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज़ टू सेल्स, एम्प्लॉयज़ टू प्रोडक्शन लेवल, ये सारे रेशियोज फाइंड किए जाते हैं फ्यूचर स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। आगे आते हैं स्कैटर प्लॉट। देखो वैसे जो आपका स्कैटर प्लॉट है ये कोई एक फोकास्टिंग टेक्निक तो है नहीं अपने आप में, बट इसको यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप जो आपकी एग्जिस्ट कर रही है अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में उनको विजुअलाइज करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न जो यूज़फुल होंगे आपके पर्सनल जो आपकी पर्सनल नीड्स है फ्यूचर में जिनको आप फोरकास्ट कर रहे हो उनमें हेल्प करेंगे ये आपको, ठीक है। आगे आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का टॉपिक। देखो जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसमें फोरकास्टिंग की जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स हैं यानी जो उनको फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए और फिर स्ट्रेटेजीज को डेवलप किया जाता है ताजो आप उन नीड्स को पूरा कर सको। इसमें आप असेस करोगे आपका करंट वर्कफोर्स क्या है, आप अपने जो आपके वर्कफोर्स गैप्स एग्जिस्ट करें उनको एनालाइज करोगे, फिर स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करोगे ताजो आप इन एड्रेस को एड्रेस करके उनको पूरा कर सको। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास सही बंदा सही स्किल्स के साथ सही टाइम में अवेलेबल हो तभी वो अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखो जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है इसमें आप अट्रैक्ट करते हो और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हो जॉब वैकेंसीज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उनके लिए। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जैसे जॉब एनालिसिस, जॉब पोस्टिंग, स्क्रीनिंग रिज्यूम्स, कंडक्टिव इंटरव्यूज, हायरिंग डिसीजन, सब कुछ इसमें आ जाता है। इसका जो मेन गोल यही है कि आपने आइडेंटिफाई करना और कैंडिडेट्स को हायर करना जिनके पास नेसेसरी स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं और वो कल्चरल फिट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी हर पक्ष में उनका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वो फिट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो ट्रेनिंग अब जो हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है ना इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो डिजाइन की जाती है एक एम्प्लॉय की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए, उनकी एबिलिटीज बनाने के लिए, यानी सारे लाइक मान के चलो इसमें आपके जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं नए एम्प्लॉयज़ के लिए यानी उनको आप कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाते हो, जो स्किल्स ट्रेनिंग है ताजो आप उनकी जॉब परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर सको वो सब हो गया, और जो आपके लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो आ जाते हैं कि आपने जो आपके किस तरीके से आपने अपने फ्यूचर लीडर्स को तैयार करना है, कंटिन्यूस लर्निंग इनिशिएटिव्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय की ग्रोथ और करियर एडवांसमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
स्टेप्स क्या हैं एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया। देखो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट को क्रिएट करना है, ये पता लगाना है कि किस एम्प्लॉय को क्या ऑलरेडी चीज़ें पता है अबाउट द जॉब, फिर उसको आपने सारी जॉब को एक्सप्लेन करना है, फिर रिलेट करना है किसी उस बंदे को किसी और जॉब के साथ रिलेट करना है जो एम्प्लॉय ऑलरेडी, जिसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय को ऑलरेडी पता है। फिर आपने ये एक्सप्लेन करना है कि एम्प्लॉय को क्यों ट्रेन करना है, ठीक है। फिर आपको वो ट्रेनिंग या एम्प्लॉय को उस नॉर्मल वर्किंग पोजीशन के जितना नज़दीक हो गया लेके जाना है, और एट द एंड आपने फैमिलराइज करना है एम्प्लॉय को विद इक्विपमेंट, मटेरियल्स, टूल्स और ट्रेड की जो टर्म्स रहने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया था, उन्होंने क्या कहा था, ध्यान से सुनो, जो इंडक्शन है ये एक ऐसा फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आप इंट्रोड्यूस करते हो न्यू एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से और उनको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और ओरिएंटेशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। यानी इसका एम यही है कि आप इंश्योर कर पाओ अफेक्टिव इंटीग्रेशन स्टाफ की ऑर्गेनाइजेशन के बीच और उसके अराउंड, ताजो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो पाए, ठीक है। अब आगे आता है डिफरेंस बिटवीन इनकल्ट्रेशन और एकल्ट्रेशन, जो एक क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग का पार्ट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने सुनी भी पहली बार ही होंगी। देखो जो एनकल्ट्रेशन ई से स्टार्ट होता है, ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है सोशलाइजेशन के लिए, लाइक एकल्ट्रेशन। अब ये स्टेटमेंट, इसके ना रिगार्डिंग डिफरेंसेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स थी वो जज करें जो पेपर में पूछे गए। देखो जो ये स्टेटमेंट थी ये करेक्ट थी, जो एनकल्ट्रेशन और एकल्ट्रेशन है ये दोनों ऐसी टर्म्स हैं जिनको एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इन दोनों का मतलब ये है कि ये ऐसा प्रोसेस है लर्निंग का और कल्चर को एक्वायर करने का, चाहे वो खुद कर लो चाहे किसी और की तरफ से कर लो। दूसरा जो दोनों टर्म्स हैं एनकल्ट्रेशन एंड एकल्ट्रेशन, ये प्रोसेस है लर्निंग का थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी, यानी जो आपकी एनकल्ट्रेशन और एकल्ट्रेशन है इसमें लर्निंग और कल्चर को एक्वायर करना आता है। अब ये कैसे करोगे आप, थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स, ठीक है। एनकल्ट्रेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब लर्न क्या करना है, आपने अपना कल्चर, और एकल्ट्रेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ लर्निंग होस्ट कल्चर नॉर्म्स, यानी जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसके कल्चर नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट्स हो करेक्ट थी। सो इनकल्ट्रेशन है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक्वायर करते हो अपने कल्चर को, और जो आपका एकल्ट्रेशन है ये वो प्रोसेस है जिसमें आप एक्वायर करते हो कल्चर नॉर्म्स को और प्रैक्टिसेस को। अब ये कल्चर नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस कोई अलग कल्चर के होंगे, पर्टिकुलरली ये आपका होस्ट कल्चर होता है, यानी जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ का कल्चर होगा। ये कल्चरल क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो केस स्टडी है, ये सबसे सूटेबल मेथड बीइंग अ ट्रेनिंग मेथड सबसे सूटेबल है अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है। देखो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं इसमें आपकी एबिलिटी आ जाती है कि आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को कैसे एनालाइज करते हो, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो, अल्टरनेट सॉल्यूशंस को जनरेट करते हो और इफेक्टिव डिसीजंस लेते हो। सो जो केस स्टडीज हैं ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच प्रोवाइड करती हैं ताजो आप इन स्किल्स को डेवलप कर पाओ। अब ये स्किल्स कैसे डेवलप होंगे, आपको प्रेजेंट किए जाएंगे रियल और हाइपोथेटिकल सिनेरियोस जिसमें आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे और डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो केस स्टडीज जो होते हैं इसमें आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना पड़ता है, जो एक रिगार्डिंग स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डाटा होगा, अलग अलग नज़रिए से आपको उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इनकरेज करना पड़ेगा कि आपने इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है, की इशूज़ को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और पोटेंशियल सॉल्यूशंस जो उन प्रॉब्लम्स के हो सकते हैं उनको प्रपोज करना है, इनको इवेल्यूएट करना है। सो जो ये प्रोसेस है ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम एनालिसिस करेंगे और डिसीजन मेकिंग एक रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में की जाएगी। अब जो आपका केस स्टडीज का यूज है एज अ ट्रेनिंग मेथड, ये बहुत सारे एडवांटेजेस देता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में, उनको देखते हैं। सबसे पहले आती है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यानी जो आपकी केस स्टडी है ये आपकी रियल लाइफ सिचुएशंस को सिमुलेट करता है, चैलेंजेस आपको प्रेजेंट करता है, जिस ये चीज़ पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करती है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को, स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में। सो ये चीज़ गैप जो उनका थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसको ब्रिज कर देती है। सेकेंड है कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी। देखो जो केस स्टडीज होती है ना इसमें ऑफन कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं जो
जो डिमांड करती है पार्टिसिपेंट्स के कि उनको मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, अलग अलग नज़रिए देखने पड़ेंगे और पोटेंशियल सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स के फाइंड करने पड़ेंगे। सो ये चीज़ हेल्प करेगी इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी एबिलिटी कि उन्होंने किस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली हैंडल करना है और सॉल्व करना है उसको डिवेलप करें। फिर आती है एक्टिव लर्निंग। देखो केस स्टडीज एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करते हैं, वो पार्टिसिपेंट्स को इंगेज करते हैं एनालाइजिंग में, डिस्कसिंग में और डिसीजंस लेने में। अब ये होंगे सारे प्रेजेंटेड सिनेरियोस के रिगार्डिंग। सो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन जब होगी वो चीज़ इन्हेंस करेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है उसकी रिटेंशन को और उसकी एप्लीकेशन को। नेक्स्ट आता है डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन। देखो केस स्टडीज आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं ग्रुप डिस्कशंस के लिए, जैसे कोलैबोरेशन सीरीज। तो ये चीज़ पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करेंगे कि वो अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, वो डिबेट करेंगे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लेके, क्योंकि हर बंदे का अपना अलग पॉइंट्स होगा। सो उस पर डिबेट किए जाएंगे, वो एक दूसरे से सीखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस। सो जो ये कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट है ये क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और एक्सप्लोरेशन नई नई डाइवर्स सॉल्यूशंस की फॉस्टर करेंगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, देखो जो डोनाल्ड किर्क पैट्रिक्स था उसने 4-level model दिया था ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का, वो क्या था। देखो अगर तो हम डोनाल्ड किर्क पैट्रिक्स का 4-level model देखें ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का, तो उसमें चार जो था सीक्वेंस में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले था रिएक्शन, फिर लर्निंग, फिर बिहेवियर और एट दी एंड रिजल्ट्स। यानी जो ये मॉडल था ये सजेस्ट करता था कि आपने जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करना है तो वो करने हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स की रिएक्शंस क्या हैं, क्या उन्होंने उससे सीखा, क्या उनके लर्निंग आउटकम्स रहे, उन लर्निंग आउटकम्स से क्या बिहेवियर में चेंजेस आए और एट दी एंड अल्टीमेट जो रिजल्ट्स आपने अचीव करने थे वो कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सक्सेशन प्लानिंग। देखो सक्सेशन प्लानिंग में आइडेंटिफाई किया जाता है और इम्प्लॉयज़ को डेवलप किया जाता है जिनके पास पोटेंशियल है कि वो लीडरशिप पोजीशंस को फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगी उनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी एम यही है कि आपने इंश्योर करना है कि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके लीडरशिप की और आप एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाओ। सक्सेशन प्लानिंग में टैलेंट असेसमेंट की जाती है, फिर जो टैलेंट आपको पता चल गया फिर आप एक करियर डेवलपमेंट प्लान्स को क्रिएट करते हो, फिर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को ताकि वो नेसेसरी स्किल्स को गेन कर सकें और एक्सपीरियंसिस को गेन कर सकें ताजो वो फ्यूचर में लीडरशिप रोल्स को टेक ओवर कर पाए। सो अगर मैं आपको समरी में बताऊँ, जो HRM है बहुत वाइटल रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में बींग, अगर आपने उनको इफेक्टिवली करना है। इसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस और एक्टिविटीज़ आ जाते हैं, जैसे अट्रैक्ट करना, डेवलप करना, रिटेन करना टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को। यानी जो HRM है वो कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में और बाय अलाइनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉय इंगेजमेंट को प्रमोट करके, उनकी वेलबींग को प्रमोट करके, और ये इंश्योर करते हैं कि अवेलेबिलिटी है कैपेबल लीडर्स की फ्यूचर में। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट, उसमें जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। देखो जो आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट है ये वो प्रोसेस है जिससे आप डिज़ाइन करते हो, एडमिनिस्ट्रेट करते हो जो आपने फेयर एंड कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन सिस्टम को फॉलो करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें आप क्या करोगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, यानी जो आपकी जॉब्स की रियल वैल्यू आप उनको डिटरमाइन करोगे, फिर उनके लिए पे स्ट्रक्चर्स को इस्टेब्लिश करोगे, फिर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करोगे और फ्रिंज बेनिफिट्स दोगे ताजो आप अट्रैक्ट कर पाओ, मोटिवेट कर पाओ और अपने बेस्ट इंप्लॉयज़ को रिटेन कर पाओ। इसके जो दो की एस्पेक्ट्स है कंपनसेशन मैनेजमेंट के वो हैं जॉब इवेल्यूएशन एंड प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। अब हम उनको डिटेल में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जॉब इवेल्यूएशन, यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमेटिकली असेस करते हैं एक जो हमारी डिफरेंट जॉब्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका क्या रिलेटिव वर्थ है, क्या उनकी वैल्यू है। यानी हम इसमें जॉब का कंटेंट एनालाइज करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एनालाइज करेंगे, क्वालिफिकेशंस देखेंगे क्या चाहिए और इसके अलावा जो भी रिलेवेंट फैक्टर्स हैं जो ताजो हम एक जॉब हायरार्की को इस्टेब्लिश कर पाए और डिटरमाइन कर पाए अप्रोप्रिएट कंपनसेशन जो उस जॉब के लिए रहने वाली है। यानी जो गोल है ना जॉब इवेल्यूएशन का वो यही है कि आपने इंटरनल इक्विटी क्रिएट करनी है। अब ये कैसे होगी, आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जो जॉब जिनकी सिमिलर वैल्यू है उनको आप इक्वली या प्रोपोर्शनेटली इक्वल कंपनसेशन दे रहे हो। ठीक है, कुछ कॉमन मेथड जो जॉब इवेल्यूएशन में आते हैं वो सबसे पहले आता है जॉब रैंकिंग, यानी जॉब्स को रैंक किया जाता है उनकी वैल्यू के ऑर्डर में या उनकी जो इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके ऑर्डर में।
फिर जॉब क्लासिफिकेशन आता है, यानी आप जॉब्स को कैटेगराइज करते हो प्री डिटरमाइंड क्लासेस में और ग्रेड्स में। अब ये जो कैटेगराइजेशन होगी, जो इसके बेसिस होंगे, वो फैक्टर लाइक जैसे स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रिक्वायर्ड है जॉब में, ठीक है। फिर आगे आता है आपका पॉइंट फैक्टर इवेल्यूएशन, यानी जॉब्स को आप इवेल्यूएट करोगे कुछ स्पेसिफिक फैक्टर के बेसिस में, जैसे स्किल्स कितनी रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वर्किंग कंडीशंस होगी और एड डिसीजन मेकिंग होगी, जो यानी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपकी। अब जो ये हर एक फैक्टर है इसको असाइन की जाती है एक न्यूमेरिकल वेट, और फिर जो आपके टोटल वेट्स होते हैं उनको डिटरमाइन कर लिया जाता है जॉब की वैल्यू के लिए, ठीक है, वैल्यू फाइंड करने के लिए। आगे जो यानी जो आपकी ये जॉब इवैल्यूएशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि वो एक फेयर और कंसिस्टेंट कंपनसेशन स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर सके बाय प्रोवाइडिंग अ बेसिस। अब ये जो बेसिस आप प्रोवाइड करोगे ये आपको हेल्प करेंगे सैलरी रेंजेस को डिटरमाइन करने के लिए, पे ग्रेड्स को और जॉब क्लासिफिकेशंस को, ठीक है। सो दो ये जो आपकी जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये क्लोजली रिलेटेड है, बट ये सेम नहीं होती, ठीक है, इनमें फ़र्क है। अब जो आपका जॉब इवैल्यूएशन का पर्पस वो यही है कि आपने जो रेमुनरेशन फिक्स करनी है वो कैसे करनी है और जितने भी आपने बेनिफिट्स देने हैं वो किस तरीके से देने हैं। सो जो जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल है, सो ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। ये इनमें आप कन्फ्यूज मत होना, जॉब इवैल्यूएशन बीइंग अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें आप डिटरमाइन करते हो रिलेटिव वर्थ जो आपका जॉब्स के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसमें आप सारे जॉब फैक्टर्स को इवैल्यूएट करोगे जैसे स्किल्स रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेवल, जॉब कॉम्प्लेक्सिटी, ताकि जो आप एक जॉब हायरार्की एस्टैब्लिश कर पाओ और इंश्योर कर पाओ इंटरनल इक्विटी होनी चाहिए, कंपनसेशन और जितने भी अदर बेनिफिट्स आपने एम्प्लॉयज को देने हैं उसकी टर्म्स में, ठीक है। सो जो पर्पस हुआ जॉब इवैल्यूएशन का वो बड़ा सिंपल है कि डिटरमाइन करो जॉब की वैल्यू को, नॉट टू फिक्स रेमुनरेशन डायरेक्टली, यानी ये डायरेक्टली रेमुनरेशन फिक्स करने में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। अब जो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये वो प्रोसेस है जिसमें आप इंडिविजुअल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन रिलेशन टू प्रीडिटरमाइंड गोल्स ऑब्जेक्टिव्स या आप कह लो जॉब एक्सपेक्टेशंस जो आपकी रखी हैं आपने उसको असेस करते हो, यानी आप इसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो, उसको फीडबैक प्रोवाइड करते हो, आइडेंटिफाई करते हो एरियाज जिसमें उसको इम्प्रूवमेंट की और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है कहीं ना कहीं क्लोजली लिंक्ड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ और इसको यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स को डिटरमाइन करने के लिए, प्रमोशंस देने के लिए और ट्रेनिंग नीड्स को डिटरमाइन करने के लिए, यानी किस बंदे को कितनी ट्रेनिंग चाहिए इससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब एक आगे क्वेश्चन आया है जो रैंकिंग मेथड्स आप यूज़ करते हो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में वो कौन कौन से। देखो सबसे पहले आती है सिंपल रैंकिंग, ये एंड अप करती है विद अ प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ पीपल इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में कितने प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ पीपल होंगे वो हिसाब को पता चल जाएगा। फिर आती है अल्टरनेशन रैंकिंग, ये इसके जो बेसिस हैं ये है पर्टिकुलर ट्रेड ओनली फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी क्या कौन सा एक पर्टिकुलर ट्रेड है जो रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है पेयर कंपैरिजन, अब ये अगेन बेस्ड है ट्रेड कह लो या आप सेट ऑफ ट्रेड्स कह लो और ये अवॉइड करती है सेंट्रल टेंडेंसी को। फिर आती है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स का। देखो जो आप एक बेसिक सैलरी देते हो उसके एडिशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो काफ़ी इंसेंटिव्स या फ्रिंज बेनिफिट्स कह लो प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो उनको मोटिवेट कर सके, रिवॉर्ड कर सके। अब जो ये आप एडिशनल फॉर्म्स दे रहे हो कंपेंसेशन की, ये आपकी एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस कर देंगी, एम्प्लॉय रिटेंशन को इम्प्रूव कर देंगे, उनको परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाएंगे कि वो ट्राई करें अपने आप को कमिटेड रखें और अच्छे से परफॉर्म करें। अगर मैं आपको कुछ कॉमन टाइप्स इंसेंटिव्स की या फ्रिंज बेनिफिट्स की बताऊं तो उसमें सबसे पहले आते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। अब जो ये रिवॉर्ड्स हैं इनको ना इंडिविजुअल कह लो, टीम कह लो या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के साथ टाई अप कर दिया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आप ये वो बोनसेस होंगे इसमें, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स हो गए, कमीशंस होगी। अब कमीशन किस पे बेसिस होंगी, या तो सेल्स पे या परफॉर्मेंस टारगेट पे, ठीक है। फिर आते हैं आपके पास वेरिएबल पे प्रोग्राम्स। अब जो ये आपके वेरिएबल पे प्रोग्राम्स हैं इनको कंपनसेशन के साथ लिंक किया जाता है, ताजो अब ये कंपनसेशन तब होगे जब आप स्पेसिफिक आउटकम्स को पर पहुंचोगे, जैसे लाइक अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स या अपने परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को पूरा करना, ठीक है। एग्जांपल्स में अगर मैं बताऊं तो पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान्स हो गए या परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस हो गए, ठीक है। आगे आते हैं स्टॉक ऑप्शंस एंड इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन।
जो आपके स्टॉक ऑप्शंस और इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन प्रोग्राम्स हैं, ये एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं एक अपॉर्चुनिटी कि वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक ओन कर सकें और उसके ऑर्गेनाइजेशन से सक्सेस से वो इंडिविजुअली भी बेनिफिट हो पाए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फ्रिंज बेनिफिट। देखो जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं ना, ये नॉन वेज कंपनसेशन होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं। इसमें लाइक हेल्थ इंश्योरेंस देना, रिटायरमेंट प्लान्स ऑफर करना, पेड टाइम ऑफ करना, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स हो गए, असिस्टेंस प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ को देना, या अलग अलग पर्क सब कुछ इसमें आ जाता है। अब जो इसका स्पेसिफिक जो इंसेंटिव्स और फ्रिंज बेनिफिट जो ऑफर किए जाते हैं, ये वेरी करते हैं, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में वो काम कर रही है, ओवरऑल कंपनसेशन फिलॉसफी ऑर्गेनाइजेशन कौन से फॉलो कर रही है। ठीक है, जो आपका अफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट है, इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट को अचीव करना चाहती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस ट्राई करना पड़ेगा इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस के बीच में। इंटरनल इक्विटी यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी फेयरनेस होनी चाहिए, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस मतलब आपको कॉम्पिटिटिव भी रहना है जॉब मार्केट में। ठीक है, सो आपको रेगुलरली रिव्यू करना है, अपडेट करना है अपने कंपनसेशन स्ट्रक्चर, मार्केट रिसर्च को कंडक्ट करना है ताकि जो आप कॉम्पिटिटिवनेस को इंश्योर कर पाओ, इंसेंटिव्स जो आप दे रहे हो उनको आपको अलाइन करना पड़ेगा परफॉर्मेंस गोल के साथ, और कम्युनिकेट करने पड़ेंगे कंपनसेशन पॉलिसी और प्रोग्राम क्लियरली अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, सो अगर आप अफेक्टिवली मैनेज करते हो अपनी कंपनसेशन को, तो जो ऑर्गेनाइजेशन वो अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं टॉप टैलेंटेड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स को एज आ एम्प्लॉयज, ताकि जो वो परफॉर्म करेंगे एट देयर बेस्ट और एक पॉजिटिव और रिवॉर्डिंग वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आगे आता है कंपनसेशन डस हैव टू वाइटल डोमेन्स। ये ध्यान से सुनो, कंपनसेशन के दो बहुत वाइटल डोमेन्स हैं, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब हो गया जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स इंप्लॉयज़ को दिए जाते हैं, और जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये जो आप सेटिस्फेक्शन या मोटिवेशन जो कंपनसेशन से इंप्लॉयज़ को मिलती है वो हो गया। जो आपके क्लेम्स हैं यानी लाइक टेलीफोन या मोबाइल अलाउंस, इंटरनेट अलाउंस या मेडिकल अलाउंस, ये आ जाते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स में आपकी कैंटीन, यूनिफॉर्म, एक्सीडेंट रिलीफ आ जाएगी। ये एग्जांपल्स हैं जो पेपर में रिलेट करके पूछी जाती हैं। ठीक है, पर रिक्वेस्ट साइट्स में आप कंपनी ने कार दे दी, क्लब मेंबरशिप, पेड हॉलीडेज, फर्निश्ड हाउस वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये एक सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की। अब आपने जो ये सिस्टमेटिकली इवैल्यूएशन करनी है या असेसमेंट करनी है, ये होगी अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी डिसाइड ऑन किए हुए हैं। ये चीज़ फीडबैक प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग, यानी हम फीडबैक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को फीडबैक देती है कि उनकी जॉब परफॉर्मेंस कैसी थी, आइडेंटिफाई करती है एरियाज जिनमें एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूवमेंट चाहिए, और ये एज अ बेसिस सर्व करती है डिसीजंस लेने के लिए। अब ये डिसीजंस रिगार्डिंग रिवॉर्ड्स, प्रमोशंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगे। सो जो एक अप्रोच परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में सबसे बार पूछी गई, वो आती है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये जो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये फीडबैक प्रोवाइड करता है मल्टीपल सोर्सेज से। ठीक है, सो अब हम इनको सारी चीज़ों को डिटेल में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल को। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल में टिपिकली जो मैं अब स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ वो आते हैं। सबसे पहले आता है आपको परफॉर्मेंस गोल्स को सेट करना है, यानी क्लियर और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स को इस्टेब्लिश किया जाता है हर एक एम्प्लॉय के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड होंगे। सो ये जो गोल्स हैं, ये एक बेसिस प्रोवाइड कर देते हैं आपको परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में। ठीक है, फिर सेकेंड आता है आपको परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, यानी जो आपके सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स हैं ना, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, हर एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे थ्रू अप्रेजल पीरियड। फिर वो उनको रिटर्न में डॉक्यूमेंट कर देंगे जो उनके अचीवमेंट्स हैं, कौन से एरियाज उनके इंप्रूवमेंट किया, और जो इश्यूज और चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं एम्प्लॉय ने। ठीक है, फिर इवेल्युएशन और फीडबैक की जाएगी। जब एट द एंड जब आपका अप्रेजल पीरियड खत्म होगा, फिर फॉर्मल इवेल्युएशन की जाएगी जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो असेस की गई है अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड क्राइटेरिया, वो सब कुछ देखा जाएगा। फीडबैक प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉय को, उनकी स्ट्रेंथ्स बताई जाएंगी, एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट बताए जाएंगे, जो उनकी पोटेंशियल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको क्लियरली बता दी जाएंगी। परफॉर्मेंस रिव्यू डिस्कशन, एक फेस टू फेस मीटिंग की जाएगी एम्प्लॉय और सुपरवाइजर के द्वारा आपस में,
जिसमें वो डिस्कस करेंगे अपने अप्रेजल रिजल्ट्स। सो जो ये डिस्कशन होगी ये अलाउ करेगी क्लैरिफिकेशन के लिए, फर्दर फीडबैक के लिए, और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी ताकि जितने भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके, ठीक है। फिर डेवलपमेंट एंड एक्शन प्लान्स, लास्ट स्टेप। देखो जो आपने अप्रेजल रिजल्ट्स हैं उसके बेसिस पे आप डेवलपमेंट प्लान्स क्रिएट करोगे जो आपके एम्प्लॉय की स्किल्स को इन्हेंस करेंगे, जितने भी परफॉर्मेंस गैप्स हैं उनको पूरा किया जाएगा, उनको एड्रेस किया जाएगा। यानी जो आपके परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट गोल्स और एक्शन स्टेप्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे अपकमिंग पीरियड यानी जो आने वाला पीरियड है उसके लिए, ठीक है। अब एक लाइन सुनो ध्यान में, देखो हेल्पिंग टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट, यानी अगर आप हेल्प करते हो लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, ये एप्लीकेशन है परफॉर्मेंस असेसमेंट की जो सर्व करती है डॉक्यूमेंटेशन पर्पस को। यानी अब ये जो डॉक्यूमेंट पर्पस हैं इसमें आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो, एविडेंस को मेंटेन करते हो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए रिगार्डिंग फॉर लीगल और कॉम्प्लायंस पर्पस, ठीक है, समझ गए। यानी जो अब नेक्स्ट आता है, द फंक्शंस ऑफ फर्स्ट लेवल और फ्रंट लाइन सुपरवाइजर टिपिकली इंक्लूड ऑल ऑफ सी। अब देखो जो आपके फर्स्ट लाइन कह लो या फ्रंट लाइन सुपरवाइजर, वो सबसे पहले आते हैं, उनके जो कुछ फंक्शंस हैं उनको करने जा रही हैं। टू, सबसे पहले वो इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट्स को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर हैं वो टास्क असाइन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को। जितनी भी आपकी ग्रीवियंसिस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने, जो उनको रिजोल्व करना है उनको अटेंड किया जाएगा। यानी जो सुपरवाइजर्स हैं वो एम्प्लॉय की ग्रीवियंसिस को हैंडल करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स जो उनके बीच में एज अ टीम अराइज हो रहे हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। फिर वो टेक्निकल नॉलेज या गाइडेंस वर्कर्स को देंगे, यानी सुपरवाइजर के पास देखो एक्सपर्टाइज तो होगा तभी वो सुपरवाइजर है, फिर वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को रिगार्डिंग देयर टास्क, जो उन्होंने टास्क को परफॉर्म करना है। फिर वो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेंगे जो प्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के रिगार्डिंग रिलेटेड है। यानी जो आपके फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेसेस के रिगार्डिंग, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, और चैलेंजेस जो हायर लेवल मैनेजमेंट को, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको सप्लाई की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ रेटिंग्स का। देखो जो ये आपकी सेल्फ रेटिंग्स होती है ना, ये सब्जेक्टिव असेसमेंट्स हैं जो इंडिविजुअल्स प्रोवाइड करते हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस रिगार्ड के रिगार्डिंग। और ये हो या नहीं, ये कई बार एक्यूरेट भी होती हैं और ये कई बार एक्यूरेट नहीं भी होती हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के। यानी सेल्फ रेटिंग मतलब जब आप अपने आपको खुद को रेटिंग देते हो और जो आपने खुद को रेटिंग दिया वो आगे कन्वे करते हो, डैट इज कॉल्ड द सेल्फ रेटिंग, ठीक है। सो जो सेल्फ रेटिंग्स है ना, ये एक नेगेटिवली कोरिलेटेड है विद सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस इन असेसमेंट सेंटर। मतलब क्या हुआ, देखो इसका नेगेटिव कोरिलेशन है ही। अब है किसके साथ, जो आपके सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट सेंटर में। मतलब क्या हुआ कि देखो जितनी कम सेल्फ रेटिंग्स होंगी उतनी ही दे आर एसोसिएटेड विद हायर परफॉर्मेंस, ठीक है। आगे आती है टेस्ट वैलिडिटी। ये एक ऐसे जनरल टर्म है जिसमें बहुत सारी टाइप्स की वैलिडिटी आ जाती है, लाइक कॉन्टेंट होगी, कंस्ट्रक्ट होगी, क्राइटेरिया वैलिडिटी। अब बेसिकली जो आपकी ओवरऑल वैलिडिटी है एक टेस्ट की एज अ मेजर ऑफ व्हाट इट इंटेंड्स टू असेस, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। अब ये ना जो आपके वैलिडिटी के क्वेश्चंस है, अब मैं आपको वैसे करवाता रहूँ, ये आपके पेपर वन में रिसर्च में भी आई हैं, ठीक है। सो वहाँ पे भी आप कर लो, यहाँ पे भी कर लो, कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है। वैसे मैंने वहाँ पे भी करवाए हुए हैं। सबसे पहले आती है कंटेंट वैलिडिटी। क्या देखो ये वो स्केल है जो मेजर करके बताएगा अ फेयर सैंपल ऑफ टास्क एंड स्किल्स दैट आर एक्चुअली नीडेड फॉर जॉब इन क्वेश्चन। यानी जो जॉब आपके क्वेश्चन में, जिसके लिए आपको काम बंदे चाहिए, उसके में जो फेयर सैंपल ऑफ टास्क हैं या स्किल्स जहाँ पे एक्चुअली नीडेड, वो आपको ये कंटेंट वैलिडिटी, मतलब कंटेंट मतलब क्या काम करना है वो आपको पता चल जाएगा। सो कंटेंट वैलिडिटी बेसिकली ये वो एक्सटेंट है टू विच अ टेस्ट मेजर द एक्चुअल टास्क एंड स्किल्स दैट आर रेलिवेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जॉब और कंस्ट्रक्ट बींग असेस्ड। यानी ये वो हद बताएंगे कि ये टेस्ट वही मेजर करेगा जो एक्चुअली स्किल्स रिक्वायर्ड है और रेलिवेंट है जॉब के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ये असेस करता है कि जो आपका कॉन्टेंट है टेस्ट का वो अलाइन कर रहा है कंटेंट डोमेन जो आपका जॉब है कंस्ट्रक्ट का उसके साथ, या नहीं कर रहा। देखो जब एक टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी है उसका मतलब ये होगा जो आइटम्स और क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है वो एक्यूरेटली टेस्ट करके आपको नॉलेज बताएंगे, एबिलिटीज और स्किल्स जो उस स्पेसिफिक जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वो एग्जैक्ट आपको, या कंस्ट्रक्ट जो आप इवेल्यूट कर रहे हैं वो उसके रिगार्डिंग आपको एग्जैक्टली बताएंगे, ठीक है। जो आपका फेयर सैंपल है इन टास्क का या स्किल्स का, ये इस टेस्ट में होगा, ये चीज़ इंश्योर करेगी जो टेस्ट है वो रेलेवेंट है और अप्रोप्रिएट है
आपने जो डिजायर्ड क्वालिटी सक्सेस करना है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपकी कंटेंट वैल्यू है, टिपिकली इसको एस्टैब्लिश किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव जॉब एनालिसिस के थ्रू, जहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं वो थॉरली रिव्यू करते हैं जॉब रिक्वायरमेंट्स को और आइडेंटिफाई करते हैं क्रिटिकल टास्क को, नॉलेज एरियाज को या स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं उस जॉब के लिए। जो आपका ये टेस्ट है इसको देन डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप ये आइडेंटिफाइड एरियाज को कवर अप कर पाओ और इंश्योर कर पाओ कि ये एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्टेंट डोमेन को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। देखो, जो कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी बेसिकली रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर द इंटेंडेड कॉन्स्ट्रक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी एक टेस्ट कितनी हद तक एक टेस्ट वही मेजर करता है जो वो आप इंटेंडेड है, यानी जो करना चाहते हैं कॉन्स्ट्रक्ट को या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को। इसमें असेस किया जाता है कि वेदर जो टेस्ट है वो एक्यूरेटली कैप्चर कर रहा है जो आप चाहते हो करना कैप्चर, ठीक है। फिर आती है क्राइटेरिया वैलिडिटी, ये वो हद है जिसमें टेस्ट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करेगा, कोरिलेट करेगा दूसरे पर्टिकुलर क्राइटेरिया और आउटकम्स के साथ, यानी आपको ये असेस करके बताएगा कि जो आपके टेस्ट स्कोर्स आए हैं वो इफेक्टिवली प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया और मेजर के रिगार्डिंग या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सो ये था हमारे सेशन का आज का लास्ट टॉपिक।